तमाम तरह के दावे करती है। कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन लोगों से मिले जो एक जमाने में कैराना से पलायन कर गए थे खौफ की वजह से। वो लोग वापस आए हैं और उनको मुख्यमंत्री ने ये विश्वास दिलाया है कि अब वो सेफ हैं और उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसी इलाके में एक जिला है अमरोहा, उसके विधानसभा अमरोहा में इस समय हैं हम, और ये गांव है सूदनपुर। लोग यहां पर दोपहर में ताश के पत्तों पर अपने हाथ आजमा रहे थे, तभी इनसे मुलाकात हुई और यहां हम लोग जम चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए जी, ये चुनावी रंग है वो क्या है? देखिए, चुनावी तो इस बार जो है बीजेपी का सूपड़ा साफ है यूपी से, और खास तौर से अमरोहा जिले में। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तो इनका बिल्कुल सूपड़ा साफ है और किसी भी तरह का कोई भी मौका इन्हें एक भी सीट पर दिया नहीं जाएगा। अच्छी कानून व्यवस्था दी तो है आपको, कौन सी अच्छी कानून व्यवस्था बताओ? कौन से बलात्कार बंद हो गए? कौन सी महंगाई रुक गई? कौन सा मतलब कोई एक पॉइंट बताओ आप कि उस मुद्दे पर इन्हें वोट दे दिया जाए। कोई ऐसा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अब तो खाली ये जो है अपनी नीतियों से हटकर और धार्मिक भावनाएं भड़काकर और उस पर वोट लेना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम। कितनी बार से वोट दे रहे हैं आप बीजेपी? 2014 से। और आप किसे दोगे? अब तो जैसा भी माहौल आएगा इनके खिलाफ जाएंगे, चाहे तो गठबंधन हो जाए अजीत सिंह कारू से, नहीं तो रालोद को वोट जाएगा हमारा। अच्छा, 2014 से वोट दे रहे हो, यानी 3 बार वोट जो है? जी जी जी। तो इसके अंदर यही था मन के, ना जाने आपके कोई समझ आ जाए, ना जाने आपके कोई कानून ऐसा ये बना दें भाई किसानों के उसमें। अब आप देख रहे हो गाजीपुर पे 600 लोग मारे गए, किसानों की एक भी समस्या ये सुनने को तैयार नहीं है, है ना? तो काय का वोट ही ना, किस बात पे वोट दिया जाए? अच्छा, वोट आप बीजेपी को देते हो? यहाँ से जो विधायक है वो चुने जाते हैं सपा के? जी जी। तो इस बार तो वैसे भी सपा कोई भाई, सपा का अगर उसका गठबंधन हो गया तो ठीक है, नहीं तो रालोद का वोट पक्का है। हाँ जी, किसे? देखो जी, हमारे यहाँ तो पूरा भरपूर कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं भाजपा से अलावा। रही बात ऐसी कि कोई किसी प्रकार की कानून की बात हो, तीनों कानून काला कानून बताते हैं, कोई पीला बताता, लेकिन यही आज तक किसी ने नहीं बताया कि इसमें काला है क्या। ये बताओ कि इसमें जब कोई काला कुछ है ही नहीं। भाई, हमारा कहने का मतलब ये है कि सारी मेन चीज़ है कानून व्यवस्था। जैसी कानून व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करी है, ऐसी आज तक कुछ नहीं हुआ। चाहे कैराना का मामला हो, मुजफ्फरनगर का मामला हो, चाहे वो उसमें हिंदू है या मोमडन है, जो क्राइम वाला आदमी है वो जेल के अंदर है या इनकाउंटर है। तो हमें तो सिर्फ मेन चीज ये है कि हमें राष्ट्रहित में वोट देना है, राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं। हमें ना तो 15 लाख रुपए चाहिए, हम 15 लाख वालों में से नहीं है। संतुष्ट हो आप? हम बिल्कुल इस सरकार से बहुत संतुष्ट हैं, हम 15 लाख वालों में से नहीं है। हमें तो सिर्फ राष्ट्रहित में वोट देना है, और जहां तक उम्मीद है हमारे गांव से 99% भाजपा पे ही। आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह नाम है मेरा। साहब राजपूत हैं? नहीं, जाट। सिर्फ राजनीति का फंडा है, कांग्रेस फंडिंग कर रही है कहीं किसी बहाने से। जो भी ये धरने पे बैठे हैं, इसमें किसान तो हैं 40% 30%, और जो बाकी सब पार्टियों के जुड़े हुए लोग हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है जी? मुकेश कुमार। अच्छा, आप भी जाट हैं? जी जी, आप हम भी जाट हैं। क्या मतलब एक ही गांव के? नहीं नहीं, वो ऐसा है ना, जो यहाँ के जो हमारे मंत्री साहब हैं वो इनके रिश्तेदार हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई चलो रिश्तेदारी के नाते कहीं वो वीडियो देख ले भाई। ये किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, ये किसान यूनियन टिकायत वाली पार्टी के आदमी है, तो ये तो विरोध करेंगे, लेकिन वैसा गांव का जो माहौल है वो भाजपा का ही है। कितने वोट हैं गांव में? गांव में 1044 वोट हैं, और जिसके अंदर जो है मतलब इनके परिवार को छोड़कर सारे जो है लगभग 1025 वोट वो जो है रालोद के समर्थक है। और उसमें भी ऐसा है कि हमारे यहाँ जाटों के वोट जो है वो 260 है, बाकी सैनी बिरादरी टोटल जितनी भी है वो सब भाजपा के साथ है। टोटल शर्मा लोग हैं, वो जो पाल लोग हैं वो सारे भाजपा के साथ हैं। जो जाट जुड़े हुए हैं, 260 वोट है जाटों के, उसमें से 10-15% या जो वो जुड़े हुए हैं किसान यूनियन से। ये पूरा रिजल्ट इन्होंने बता दिया कि कौन कहाँ जाएगा। जी जी, मैंने आपसे पहले स्पष्ट कर दिया कि ये मंत्री साहब के रिश्तेदार हैं, तो भाई ये तो कौन से मंत्री? ये भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदार हैं। अच्छा, भूपेंद्र चौधरी। हाँ, भूपेंद्र चौधरी के ये रिश्तेदार हैं। और ये देखिए आप, अगर ये कह रहे हैं कि मुझे, मैं किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ, जब मैं हूँ किसान तो मैं जुड़ूंगा किससे भाई? मैं अगर किसान से जुड़ा हूँ
किसानी से जुड़ा हूँ तो किसान यूनियन से जुड़ूंगा, भाई मेरी किसी राजनीतिक पार्टी से तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन सारे देख लिए हमने, सारे राजनीतिक पार्टी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम बीरेंद्र सिंह जी। आप भी जाट हैं? हाँ हम भी जाट हैं जी। लेकिन आपके गांव में जो है 260 वोट हैं और सारे लोग आप जो हैं एक ही कम्युनिटी के बैठ गए, दोपहर में पत्ते खेल रहे हैं, तो अभी जैसे रिजल्ट दे दिया इन्होंने बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये रिजल्ट आएगा क्या? ये तो देखो जी समय बताएगा क्या होगा। आप अभी कंफर्म नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं, समय आएगा देख लेंगे, जिधर भी सही होगा उधर कर देंगे। अरे आप तो बिल्कुल मौका परस्ती वाली बात कर रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो ज्यादातर समाजवादी निकल आया, समाजवादी की डंका रहेगा आपका भी, तुम देख ली अभी जाटो ना, हम तो पाल हैं। अच्छा, इसलिए आपका पार्टी अलग है? ना पार्टी अलग नहीं है हमारी बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ तो ज्यादातर महबूब अली जी जीतते हैं, महबूब अली जीतेंगे। यानी आपका पिछली बार जो वोट गया वो सही जगह गया, आपका कैंडिडेट जीत गया? हाँ जीत गया हमारा। बीजेपी वालों का हार गया? हाँ वो तो हार गया साहब। अब कभी हाँ क्या पता हार भी सका, कोई जरूरी नहीं है कि जीत ही जा। किसका? बीजेपी का। फिर हरवाओगे? हाँ हो सका हारेगा, सरकार सही काम करेगी तो वोट। जो चॉइस आपका गठबंधन आ रहा है उसका क्या? वो आ रहा है, उनका कोई इतना ज्यादा बड़ा वो नहीं है, हमारे यहाँ तो उनकी शायद सीट ही ना हो। चरण सिंह बिसार दिए आपने? ना बिसारे नहीं, बढ़िया हैं वो भी, बढ़िया थे, बिसारे नहीं, पर जब हमारे यहाँ सीट आएगी उनकी तभी तो देंगे, उनकी सीट ही शायद है मुश्किल से। अच्छा अगर रालोद के खाते में नहीं आई तो आप सपा को वोट नहीं करेंगे, आरएलडी को वोट नहीं करेंगे? ना सपा को नहीं देने, नहीं करेंगे, सपा को वोट नहीं देंगे। जब गणित है हाँ। हाँ। किसान के बारे में सरकार सोचे, किसान साल भर से दिल्ली धरना दे रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचे, ये कानून वापस करे। दिल्ली मोहब्बत है आपकी बीजेपी से? ना दिल्ली मोहब्बत तो है मगर किसान के लिए तो सोचे, ये सब होगी पक्की। बिजली बिलों में रेट घटाए, तेल पर पैसे घटाए, एनपी का घटा घटाया तो सही, तेल पे घटाया, अभी तेल पे घटाए, अभी 10-12 रुपए घटाए हैं, एनपी के पे इन्होंने बढ़ा दिए, 250 रुपए बढ़ा दिए गट्टे पे इन्होंने, 1450 रुपए गट्टा मिल रहा। अच्छा ये बताओ जी, ये जो गठबंधन बना है आप बता दो, ये जो गठबंधन बना है कुछ कर पाएंगे? ये गठबंधन तो गठबंधन होता है ना, खैदान होती है चारों तरफ, गठबंधन निश्चित नहीं मतलब पक्का नहीं होगा। 260 ही जाने है क्या? नहीं नहीं देखो ये तो सब जो है आपको देकर मजाक बना रहे हैं, और लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो जाट जो भी वोट है ये बीजेपी का तो साथ पहले छोड़ गया, जिसने बिरादरी के ही 60 लोग मरवा दिए हों, अजय मिश्रा का बेटा ने देखा हो आपने गाड़ी चढ़ा दी, आज तक उससे बीजेपी का इस्तीफा नहीं लिया गया है, तो जब से लेके हम औरों को ही तो वोट देते हैं। ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा पहली बार होगा इस क्षेत्र के अंदर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, जो क्या सारी बिरादरी एकजुट होकर जयंत सिंह के साथ लगेगी। अच्छा आप कह रहे हैं कि गाड़ी बहुत साल पहले भी चढ़ी? नहीं गाड़ी तो जब से बाद भी बहुत चढ़ गई, ये नेता हुआ क्यों नहीं जाते, 10-10 बन जाते हैं, 15-15 मर जाते हैं वहाँ, अगर जो राजनीति नहीं हुई तो और क्या हुआ। वोट फॉर बीजेपी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जो आप नेताओं की बात कर रहे हो कि वहाँ नहीं जाते, कौन है वो नेता? सारे ही नेता हैं, जितनी कांग्रेस है सब वहाँ सारे पहुँच गए, पूरा परिवार पहुँच गया, पूरा खानदान पहुँच गया वहाँ, कभी गया कोई? चन्नी भी पहुँच गए पंजाब के, वहाँ राजनीति कर रहे हैं वो भी यहाँ पहुँच गए, उसके बाद साधुओं पर कई एक पर गाड़ी चढ़ गई गोरखपुर में, वहाँ कोई नहीं गया, जैसे कितने लोग मरते हैं वहाँ क्यों नहीं जाते हैं राजनीति चमकाने? महंगाई नहीं झेल रही है ये कहना है किसानों का, लेकिन अभी जो दिल में एक प्रेम है बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछले 3 बार से 2014, 2017, 2019 में उसे वोट देते आ रहे हैं, वो प्रेम अभी दिल से नहीं निकला है। कोशिश यही है कि सरकार किसी तरह किसानों की मांगे मान ले तो ये किसान फिर से बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। अगले विधानसभा में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।